अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि बहुत मज़े थी और लजीज बनती है यार। एक दफ़ा बना लें और फिर बंदा स्टोर करके रख लेता है, जब चाहिए होती है बंदा यूज़ कर लेता है। लेकिन जी, ये मैंने ईस्टर्न वालों की इमली का पैकेट लिया है, 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं, और इसमें गर्म पानी ऐड करके तो इसको मैंने थोड़ी देर, क्या कह रहे हैं, 4-5 घंटे ढाँप के रख दिया था। चार पाँच घंटे बाद ढाम के रखने के बाद ये ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी, तो फिर इसको अच्छे से मैंने वो पानी में मिक्स किया और एक छाननी ली, छाननी में डाल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई, जब तक मीन के इसका गूदा गूदा नहीं रह गया तब तक पानी डाल के इसको करती रही, ताकि ना सारी इमली जितनी भी है नीचे चली जाए। ठीक है, जितनी भी पानी डाली रहेंगे और एंड पे बस देखेंगे, बस थोड़ी सी रह गई है, गूदा गूदा बस रह गया और सारा पानी निचड़ गया है अच्छे से। फिर उसके बाद एक मैंने पैन से लिया, पैन में जो सा इसको ऐड किया, जितना भी गुदा जुदा निकल गया हुआ था, और बाकी सबको मैंने फेंक दिया था। लेकिन जी, आपने इसमें जो सा है एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो ईस्टर्न वालों की इमली होती है इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए आपने ख़ुद से ऐड नहीं करना। अगर आप खुद से ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। लें इसमें सिर्फ मैंने धड़ा मिर्च ऐड किया है थोड़ी सी, 1 अदद चम्मच, और ज़ीरा ऐड किया है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से पकने के लिए मैंने रख दिया था। जब मैंने देखा ये थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था, ब्लैक पेपर 1/2 कह लें 1/2 चम्मच ऑलमोस्ट मैंने ऐड किया था ब्लैक पेपर का, डाल के इसको अच्छे से मैंने पकाया। पकने के बाद जब मुझे लगा गाढ़ी गाढ़ी हो गया, फिर इसमें मैंने चीनी ऐड की। चीनी जो सी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, जितनी आपको लगे आप मीठा इतना ठीक है, इतनी खट्टी मीठी ठीक है, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करके इसको मैंने अच्छा खासा, कह लेंगे 10 से 15 मिनट अच्छा खासा इसको मैंने पकाया था। जब शीरा अच्छे से पक सक जाए तो भाई इसको बॉल में निकाल लें। बहुत मज़े की बनती है इमली की चटनी, बस याद रखिएगा नमक नहीं ऐड करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।